हेलो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द चीपेस्ट आईपीएस डिस्प्ले जो मेरे को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया। और डिस्प्ले बहुत ही स्लिम है और देखने में भी काफ़ी शानदार है। ऊपर से इसका मेक जो है वो भी AOC का बना हुआ है, काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है डिस्प्ले के मामले में। और डिस्प्ले बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है, ऊपर से IPS भी है। तो चलिए मैं उसको एक बार अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखा देता हूँ, और वीडियो को आखिर तक देखते रहना क्योंकि इसके लास्ट में मैं इसका स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा और इसके साथ जो और भी काई डिस्प्ले है जो इसी रेंज में आता है वो भी मैं दिखा दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज जो हम डिस्प्ले के बारे में बात करने वाला है उसका मॉडल नंबर है 22B1HS, और ये मैंने अमेजोन से लिया था। जब मैं लिया था ये अराउंड 7,000 रुपीज़ का। अभी इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, देख सकते हो। अभी कुछ दिन वेट कर लेना ऑफर में खरीदना, तो ये सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा। हालांकि ये अभी भी चीपेस्ट डिस्प्ले है क्योंकि इस डिस्प्ले के इस रेंज में और कोई दूसरे इतना अच्छा इस IPS डिस्प्ले तो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो फोटो दिया गया है इसका, तीन साइड का बेजल देख सकते हो है, लेकिन ये इंडियन वर्जन का फोटो नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसका वेबसाइट से जाके चेक कर लेना, ये AOC इंडिया जाके, ठीक है। तो ये उसका मॉडल नंबर है, और आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है वो ए वाला डिस्प्ले है, ठीक है। आप देख सकते हो तीन साइड का आपका बेजल जो है एकदम स्लिम है। इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ, ये उसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। आखिर में वीडियो के आखिर में मैं सारा एक एक करके सबको ये समझा दूंगा आपको। तो अभी के लिए आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आखिर में दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास आ गया है AOC का 21.5 इंच का डिस्प्ले, जिसका मॉडल नंबर है 22B1HS। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा पैकिंग है, 22 इंच का करीब करीब डिस्प्ले है, 21.5 इंच का। तो चलिए इसको जल्दी से जल्दी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो पहले जो आता है वो डिस्प्ले का मेन पैनल आता है, उसके बाद उसके स्टैंड, उसके बाद आपको एक VGA केबल दिया जाता है, और उसके साथ आपको मिल जाता है ये HDMI केबल, और उसके साथ 19 वोल्ट का ये पावर एडाप्टर, और ये पावर एडाप्टर के साथ AC कॉर्ड। और इसके साथ और एक जो चीज़ आता है वो है ये यूज़र मैनुअल गाइड, जो एक CD है जो मेरे कोई काम का नहीं, इसको फेंक देते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से जल्दी पूरा सेटअप कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले काफ़ी भारी है, और इसका जो कंट्रोल पॉइंट कंट्रोल बटन दिया गया है वो नीचे की तरफ दिया गया है, जैसे हर डिस्प्ले में रहता है 5 बटन आपको दिया गया है, ठीक है। और ऊपर से भी लुक्स इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। आप अगर देखोगे तीन साइड में एकदम ही बेजल लेस है, ठीक है, ना के बराबर है बेजल, और काफ़ी वेट भी काफ़ी है इसका, ठीक है, काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का भी लग रहा है। यहाँ पीछे की तरफ आपको एक HDMI इनपुट देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद मिलेगा आपको VGA इनपुट, एक 3.5 mm आउटपुट जैक साउंड के लिए, और एक पावर इनपुट, ओके। और ये पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये आपको 4 स्क्रू डालने का जगह मिल जाएगा, आप अगर चाहो तो इसको वॉल माउंट भी कर सकते हो। तो चलिए, अब बहुत ही भारी है ये डिस्प्ले, और LCD ऐसे ही भारी होता है, थोड़ा सा ऊपर से IPS डिस्प्ले है। तो चलिए इसको फटाफट जो है लगा लेते हैं। लगाने के लिए क्या करना है, हमको पहले नीचे का बेस इसके अंदर थोड़ा सा पुश करना होगा, और इसमें देख सकते हो ऊपर की तरफ एक स्क्रू लगा हुआ है, और स्क्रू को होल में डालना होगा। आपको स्क्रू को पकड़ना होगा और पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाना होगा। इसको ऊपर एक नॉच है, इसको पकड़ कर आप घुमा सकते हो। तो इसको आप एकदम क्लॉकवाइज घुमाते रहिए जब तक ये अंदर जा रहा है, एकदम आखिर तक घुमाते रहिए ताकि ये खोलने का कोई चांस नहीं रहेगा। स्क्रू देने का एक काफ़ी एडवांटेज है, आप चाहो तो बाद में इसको खोल के भी रख सकते हो, अगर कहीं आपको लेके जाना है तो आप इसको खोल सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ एक दिया गया है, तो देख सकते हो मेरा टाइट हो गया है पूरा, ओके। तो ये नॉच को जो है ये आप अंदर डाल लीजिएगा, नहीं तो ये बैठेगा नहीं। वाह, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो ये बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का है, और ये बेजल लेस होने के लिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। आप रख सकते हो ऐसे डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ध्यान आकर्षित करेगा। और आप साइड पे भी देख सकते हो एकदम स्लिम है, इसका बेजल एकदम ना के बराबर है, और बहुत ही स्लिम है ये डिस्प्ले, तो बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। और थोड़ा साइड से मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, और पीछे से भी देख सकते हो बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं आपको कितना आप टिल्ट कर सकते हो। देखिए बहुत 21 तक 27 माइनस 27 डिग्री तक तो टिल्ट हो ही जाता है, ठीक है, ऐसे आप नीचे की तरफ भी टिल्ट कर सकते हो, तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। तो चलिए फटाफट इसका जो है हम इसको रेडी कर लेते हैं।
तो अभी मैं ये लैपटॉप के साथ रेडी कर लिया हूँ, मैं लैपटॉप से कनेक्शन दिया हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पीसी नहीं है, मेरा लैपटॉप ही है, ठीक है। तो ये मैं लैपटॉप को थोड़ा सा ऊपर कर लिया हूँ कि ताकि स्क्रीन का जो हाइट है वो मैच कर जाए, नहीं तो मैं जब इसको एक्सटेंड मोड पर डालूंगा तो दोनों डिस्प्ले एक साथ काम करेगा, तो इसमें आप जब एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले में कुछ चीज़ें लेके जाओगे तो तभी दिक्कत आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैं नीचे फोम डाल के मेरा लैपटॉप को जो है थोड़ा सा ऊपर कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरा चालू हो गया है, अब मैं दबाऊंगा विंडोज़ पी और अब देख सकते हो यहाँ पर जाऊंगा मैं एक्सटेंड मोड पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप दोनों डिस्प्ले को एक ही साथ काम करा सकते हो, ठीक है, मतलब दोनों डिस्प्ले को आप दोनों अलग अलग टास्क के लिए काम करा सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, कोई भी आप एप्लीकेशन खोल लो और वहाँ से जस्ट माउस को पॉइंटर को क्लिक करके ड्रैग करके आप इधर लेके आ सकते हो। ये बहुत ही कूल लगता है मेरे को, मैं तो हमेशा करता रहता हूँ ऐसा, बहुत ही अच्छा लगता है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो आप दोनों स्क्रीन में साइमल्टेनियसली काम करा सकते हो। मैं एक वीडियो चला के इसका दिखा देता हूँ, तो देखिए ये वीडियो मैं अभी HD में चलाया हूँ, तो आप देख सकते हो कलर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अब शायद कैमरा में आपको पता नहीं चलेगा लेकिन अब मैं सामने से देख रहा हूँ तो बहुत ही मेरे को अच्छा क्वालिटी लग रहा है, कलर डेप्थ भी बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी भी, कलर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है। और मैं और एक वीडियो आपको चला के दिखा देता हूँ कैसा लगता है, तो मैं इसको ही चलाता हूँ अभी, तो देखिए ये थोड़ा सा ग्रीन है तो आपको और भी अच्छा पता चलेगा। देखिए सब मैं HD में, फुल HD में चला रहा हूँ, 1080p में, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारा आपको मिल जाएगा, तो ऐसे आप चला के देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो सामने से और भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है इसलिए आपको ठीक ठाक दिखना ही रहा होगा, लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप जब सामने से देखोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और कोई सेटिंग्स मैं दिखा देता हूँ ये डिस्प्ले का, क्या क्या कर सकते हो। जैसे ये आप डुप्लीकेट मोड पर इसको डाल सकते हो, इससे क्या होगा आपका दोनों डिस्प्ले में एक ही चीज़ दिखेगा, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्प्ले में एक ही चीज़ दिखेगा आपको। ऐसे आप एक डुप्लीकेट मोड पर डाल सकते हो एक पीसी को, ठीक है। आप दूसरा पीसी चला सकते हो, अपना लैपटॉप का स्क्रीन बंद कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर चाहो तो आपका प्राइमरी जो स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन, वही चला सकते हो, इसको बंद रख सकते हो, जैसे आपका ज़रूरत, आप उसी हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो मैं एक्सटेंड मोड पे काम करता हूँ क्योंकि कभी कभी मेरे को वीडियो एडिटिंग करने में मदद मिलता है, मैं दूसरे में कुछ ट्यूटोरियल देख लेता हूँ और इसमें अप्लाई कर लेता हूँ, कोडिंग में भी मेरे को बहुत सारा मदद मिल जाता है। तो चलिए अब मैं आपका थोड़ा सा सेटिंग्स दिखा देता हूँ, क्या क्या है इसके सेटिंग्स। जैसे दूसरे डिस्प्ले में होता है बहुत सारा सेटिंग्स, इसमें भी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस चेंज करके दिखाने का कोशिश करूँगा, आपको शायद कैमरे के लिए पता नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल कर लेता है, लेकिन आप टेबल पे ध्यान दीजिएगा, टेबल का ब्राइटनेस जब बढ़ जाएगा इसका मतलब हमारा डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए मिनिमम ब्राइटनेस है, मैं इसमें रख के काम करता हूँ, मेरे को बिल्कुल ब्राइटनेस पसंद नहीं है क्योंकि मैं रात में नाइट लाइट ऑफ करके भी काम करता हूँ, तो मेरा आँखों में प्रेशर नहीं पड़ता। तो और इसके एडवांस सेटिंग्स में मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा इंटरनल डिस्प्ले है लैपटॉप का जो कि 60Hz का है, 6 फीट का है, अब जैसे देख सकते हो। और ये जो मेरा 22B1HS जो डिस्प्ले है योजी का है, ये भी देख सकते हो आप 60Hz का ही देता है, और ये 8 बिट इसका कलर डेप्थ है, मतलब इसका कलर एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, 8 बिट का कलर एक्यूरेसी देता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मेरे को बहुत सारा कलर, मतलब कलर का बहुत एकदम एक्यूरेट कलर मिल जाता है। तो ये था इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन, अभी जो फुल स्पेसिफिकेशन है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो मॉडल नंबर है वो 22B1HS है, ठीक है। ये 21.5 इंच का डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है। और बाकी ये आप छोड़ के आ जाइए ब्राइटनेस पे, यहाँ पर 250 निट्स तो देता है, 1 निट्स इज इक्वल टू 1 candela per meter square होता है, इसका 250 निट्स देता है। और इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आप देख सकते हो, ये टिपिकल जो हमारा स्टैटिक है और ये डायनामिक है, 20 मिलियन के आसपास हमको देखने के लिए मिल जाता है। और इसका जो रिफ्रेश टाइम है वो 7 मिलीसेकंड का है, ये गेम खेलने के लिए लायक तो नहीं है, लेकिन ऐसे आप अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छा ये आपका डिस्प्ले साबित होने वाला है, ठीक है। अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप कोई दूसरा डिस्प्ले ले लो, ये आपका बहुत हाई एंड गेमिंग तो नहीं कर सकता, ठीक है। ऊपर से आपको मैंने दिखाया है 60Hz का डिस्प्ले है, ठीक है, तो गेमिंग के हिसाब से काफ़ी कम कन्फिगरेशन है, लेकिन आप अगर इसके लिए एडिटिंग करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो, तो बहुत ही अच्छा आपके डिस्प्ले रहेगा, इसका कलर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऊपर से आप देख सकते हो इसका जो VGA एक आउट इनपुट है और एक HDMI जो इनपुट है वो 1.4 ही तक सपोर्ट करता है, 2.4 का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। बेंड जो टिल्ट होता है वो मैं दिखाया, -4 डिग्री तक से -21.5 डिग्री तक आपको टिल्ट इसमें दिखने के लिए मिल जाता है। और एक चीज़ जो है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये जो कलर गैमुट है, इसको sRGB जो स्पेक्ट्रम है वो करीब करीब 91.1% तक ये कवर कर लेता है,
जो कि एक अच्छी खासी माना जाता है। इसका एडोबी जो है SRGB का रेंज है वो करीब करीब 100% वो एडोबी SRGB को सपोर्ट करता है, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा डिस्प्ले रहेगा। और आप देख सकते हो इसी प्राइस में इससे अच्छा कुछ आपको मिल भी नहीं सकते। तो चलिए, इसका सेम ही एक डिस्प्ले है जिसका स्पेसिफिकेशन थोड़ा मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये है AOC का 22B2H, ठीक है, और ये भी 21.5 इंच का डिस्प्ले है, आप देख सकते हो, ठीक है, दिखने में करीब करीब सेम ही है। और इसका स्पेसिफिकेशन भी आप देख लो, ठीक है, ये 1.3 1.4B को सपोर्ट करता है HDMI पोर्ट, और 2.0 2.0B को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। 144 हर्ज़ दे देता है 1080p में, एंड 75 हर्ज़ देता है 2K में, एंड 2.0 के ऊपर अगर पोर्ट आप यूज़ कर रहे हो तो ये 240 हर्ट्ज़ जो कि बहुत ही अच्छा है 1080p में दे देगा, एंड 2K में 144 हर्ट्ज़ देगा जो कि गेमिंग के लिए बहुत सही रहेगा, एंड 60 हर्ट्ज़ मिलेगा आपको 4K में, यानी आप 4K तक सपोर्ट कर सकता है। एंड अब प्राइस भी देख सकते हो इसका 7450 रुपीज़ है, लेकिन इसका जो मेन चीज़ है ये VA पैनल है, ये IPS पैनल है ही नहीं। अब डिफरेंस क्या है VA पैनल और IPS पैनल में, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखे है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप आई कार्ड से उसको देख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी डिस्प्ले लेने के लिए जा रहे हो तो ये दो वीडियो मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख के चला जाना, तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और ये डिस्प्ले में डिसएडवांटेज यही है कि इसमें कोई एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी दिया गया नहीं है, यानी फ्री सिंक जी सिंक ये सब नहीं है। आपको वी सिंक में जाना होगा, वर्टिकल सिंकिंग करना होगा, तो उससे आपका गेमिंग तो ठीक ठाक चल जाएगा लेकिन उसमें इनपुट लैग देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अगर हाई एंड का गेमिंग खेल रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप ये डिस्प्ले ले लो। आप इसमें छोटा मोटा ऑफिस का काम, आप अगर कोडिंग करता हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, मूवी वगैरह देखते हो तो भी अच्छा है ये, लेकिन थोड़ा बहुत गेम खेलने में भी आपको ठीक ठाक रहेगा। लेकिन आप बहुत ही हाई एंड का अगर पास ग्राफिक्स है आपके पास, आप हाई एंड का कोई गेम खेलता है, बहुत मैक्सिमम आप सेटिंग्स में गेम खेलते हो, तो ये डिस्प्ले आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप कोई दूसरा डिस्प्ले देख लेना। आप थोड़ा सा हाई प्राइस रेंज में भी अगर जाना चाहते हो तो आपको IPS गेमिंग मॉनिटर मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, 4K वाला भी मिल जाता है IPS पैनल वाला। तो IPS में क्या है, कलर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलता है, कलर एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया मिलता है, व्यूइंग एंगल भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो ये सब पैनल के बारे में, सारे पैनल के बारे में मैंने डिस्प्ले ऑलरेडी बना के रखे, दो वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप जाके देख लेना, सारे आपको नॉलेज मिल जाएगा। कोई भी अगर डिस्प्ले खरीदने जा रहे हो तो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप यू गाइस एंजॉय इट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर लेना, अगर और भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।